नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको Spotify की चार सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको Mutify ऐप के बारे में बताया था, जिसमें कि आप Spotify में बगैर ऐड के कैसे गाने सुन सकते हैं, इसको बताया गया है। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेटिंग्स की। दोस्तों ये जो पहली सेटिंग है ये है तो मैप ऐप में, लेकिन ये आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों क्या होता है, कई बार जब हम बाहर जाते हैं तो हम मैप्स का यूज़ करते हैं रास्ते को देखने के लिए, प्लस हम किसी म्यूज़िक ऐप में गाने भी सुनते जाते हैं, और जब हमें गाना चेंज करना हो तो हमें मैप से उस ऐप में स्विच करना पड़ता है। ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो उसके लिए गूगल ने हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। स्पॉटिफाई गूगल मैप्स में ही इंटीग्रेट हो जाता है। जी हाँ, आप गूगल मैप में ही स्पॉटिफाई का यूज़ कर सकते हैं गाने को चेंज करने के लिए, आपकी प्लेलिस्ट या आपके जो भी फोल्डर हैं, जो भी आपके फेवरेट सिंगर हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। स्पॉटिफाई गूगल मैप ऐप में ही आप ब्राउज कर सकते हैं। ऐसा कैसे होगा, आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मैप्स में जाना होगा। इसके बाद आप यहां ऊपर अपने प्रोफाइल आइकॉन पर टच कर लीजिए। अब आप यहां नीचे सेटिंग्स में आ जाइए, नीचे आइए। अब आपको यहाँ नेविगेशन सेटिंग्स पे जाना होगा, नेविगेशन सेटिंग्स के अंदर और नीचे आइए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है शो मीडिया प्लेबैक कंट्रोल्स, इसको ऑन कर दीजिए। अब ये यहाँ पे Spotify दिखा रहा है, इसको नेक्स्ट कर दीजिए। इस वक्त ये कह रहा है कि इस मीडिया ऐप को गूगल मैप से कनेक्ट करना है, ओके करिए। इस वक्त ये यहाँ पर नीचे डिफॉल्ट मीडिया ऐप में Spotify दिखा रहा है। अभी हम करते हैं बैक। देखिए दोस्तों अब हम कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि हम यहां भोपाल डालते हैं, भोपाल। भोपाल के लिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। Head west, then turn left. देखिए दोस्तों ये यहां पर सबसे नीचे आपको Spotify का आइकॉन दिखा रहा है, हम इस पर टच करते हैं। यहां पर नीचे Spotify का आइकॉन दिखा रहा है, मैं इसे प्ले करता हूं। और एग्जांपल्स के साथ शुरुआत ना आसान वाले से करते हैं ताकि आपको बेसिक से ये यहीं के ही ऑन हो गया है। और यदि आप इसे ब्राउज करना चाहते हैं तो इसको टच करिए। देखिए यहां पर आपको आपके फेवरेट फोल्डर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप सुनना पसंद करते हैं। और यदि आप Spotify को ओपन करना चाहते हैं, ओपन Spotify पर टच कर दीजिए। ये Spotify ओपन हो चुका है, यहां पर आप जो भी सुनना चाहें, जो भी आपकी प्लेलिस्ट हो उनको एक्सेस कर सकते हैं। वहां से जाके आप अपने फेवरेट गाने या पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। दोस्तों दूसरी सेटिंग है Spotify में जो आपकी प्लेलिस्ट होती है उन्हें पिन करना। ये देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर प्लेलिस्ट है। आप यदि अपनी किसी प्लेलिस्ट को ऊपर लाना चाहते हैं तो आप सिंपली इस तरह से राइट में इसको स्वाइप कर दीजिए, और देखिए ये ऊपर यहां पिन हो गई है। बैक करते हैं, ये उदय जी को मैं पिन करता हूं। देखिए ये भी प्लेलिस्ट इनकी ऊपर आ गई है। यदि आप अनपिन करना चाहते हैं तो आप इनको फिर से राइट स्वाइप कर दीजिए, ये अनपिन हो गया है, ये प्लेलिस्ट अनपिन हो गई है और ये नीचे पहुंच गई है। जो भी आप सुनते हो, चाहे वो पॉडकास्ट हो या कोई आपके फेवरेट सिंगर हो, उनको आप पिन अनपिन इस तरीके से कर सकते हैं। राइट में स्वाइप करिए तो ये पिन हो गई, राइट में दोबारा स्वाइप करेंगे आप, ये अनपिन हो गया। दोस्तों थर्ड सेटिंग है क्रॉस फेड की। हम सबसे पहले जाते हैं सेटिंग्स में, आते हैं थोड़ा सा नीचे। देखिए दोस्तों इस वक्त क्रॉस फेड ऑफ है, आप इसे चाहें तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये 12 सेकंड पिक मैंने कर दी है। इसे ऑन करके आप एक गाने के खत्म होने पर तत्काल दूसरा गाना सुन सकते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। पार्टी वगैरह में डांसिंग सॉन्ग्स के लिए ये काफ़ी यूजफुल होता है, पसंद ना आए तो वापस ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों फोर्थ सेटिंग पॉडकास्ट में यूज होती है। मान लीजिए आप कोई 10 मिनट का पॉडकास्ट सुन रहे हैं और आप उसे अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को भेजना चाहते हैं, और उस पॉडकास्ट में कोई विशेष बात 5वें मिनट से बताई गई है, तो आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव को वहीं से वो बात बता सकते हैं, उन्हें पूरा नहीं सुनना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये सरताज जी का इंग्लिश पॉडकास्ट है, इससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ये मैंने किया इसे ओपन, ये देखिए ये नीचे चल रहा है, ये करीब 11 मिनट का है और मैं इसे अपने किसी फ्रेंड को भेजना चाहता हूँ। 5.5 मिनट के बाद इस पर अच्छी बात बताई गई है, तो मैं यहाँ शेयर पर टच करूँगा। अब देखिए शेयर का ऑप्शन खुल गया है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है शेयर फ्रॉम 5:30, इसको आप ऑन कर दीजिए और व्हाट्सएप में जाके या फेसबुक में जाके या इंस्टा स्टोरी पर या आप कहीं भी जहाँ भी शेयर करना चाहें वहाँ पर जाके शेयर कर सकते हैं। बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि सामने वाले के पास भी स्पॉटिफाई होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेटिंग्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। म्यूटिफाई ऐप का यूज़ कैसे करते हैं स्पॉटिफाई में एड्स को म्यूट करने के लिए, उसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो देखिएगा, और किसी यूट्यूबर के ओल्ड वीडियोज़ को कैसे देखा जाता है उसके लिए ये राइट वाला वीडियो देखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।